हेलो दोस्तों, मैं साहू, साहू चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीओ कैसे अप्लाई किया जाता है, जीरोधा में आईपीओ कैसे अप्लाई किया जाता है, इसी बारे में हम बात करेंगे। जीरोधा का एप्लीकेशन है जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म है। अगर किसी का जीरोधा डिमांड अकाउंट नहीं है और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, वो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ खोल सकते हैं और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप में है वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो में हम बताते हैं आईपीओ कैसे अप्लाई किया जाता है। ये जैसे कंपनी है, ये आईपीओ के बाद कंपनी बना है। कोई भी आईपीओ पब्लिक होने के लिए एक ऑफर डालता है पब्लिक के लिए, उसको आईपीओ बोलते हैं। जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं, 7 डेज टर्न रहता है उसका, कोई के आईपीओ का 10 डेज टर्न रहता है। जैसे आप आईपीओ अप्लाई करते हो, कोई भी अगर आपका अलॉटमेंट होता है कोई आईपीओ में, और उसमें कैसे प्रॉफिट जनरेट होता है, कितना प्रॉफिट जनरेट होता है और अलॉटमेंट होता है कि नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में। तो आईपीओ पहले जीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कैसे अप्लाई किया जाता है, तो ये देखिए, पहले आप जीरोधा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है, इस कॉर्नर पर जाना है, कॉर्नर पर जाना है, यहाँ लिखा है आईपीओ का ऑप्शन लिखा है, यहाँ कंसोल में नीचे लिखा है आईपीओ का ऑप्शन, यहाँ आईपीओ को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यह गूगल क्रोम खोल जाएगा। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप यहां से अप्लाई कैसे करते हैं मैं बताता हूं सर। यहां पर देखिए सारा आईपीओ का लिस्ट आ गया। जैसे फिनो आईपीओ आने वाला है, 29 को रिलीज हो गया, नाइका का सेम, निदान का, सीएचई पॉलिसी बाजार, ऐसे ऐसे आईपीओ है। तो जो बीड लिखा हुआ है, बीड आपने अप्लाई करेंगे कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ लिखा है क्वांटिटी, जैसे फिनो में हम अप्लाई करेंगे, फिनो बैंक में, तो कैसे अप्लाई किया जाता है। यहाँ क्वांटिटी 25 लिखा है और 560 टू 577 इसका प्राइस रेंज रखा गया है। तो चलते हैं, बीड को पहले क्लिक करना है। बीड क्लिक करने के बाद यहाँ यूपीआई आईडी मानना है, जहाँ लिखा है ऊपर में यूपीआई आईडी का ऑप्शन, इसी यूपीआई आईडी का ऑप्शन में क्लिक करना है। यूपीआई आईडी कहाँ आएगा ना, गूगल पे फ़ोनपे में जो यूपीआई आईडी रहता है, जैसे साहू 123 आर दैट ओके SBI, ऐसे यूपीआई आईडी रहता है। यहाँ यूपीआई में लिखा है किस बैंक का आप यूपीआई, SBI बैंक, ICICI, HDFC, एक्सिस, कोई भी बैंक होगा, यहाँ यूपीआई लिखना है। यहाँ नीचे लिखा है इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, इंडिविजुअल इन्वेस्टर लिखना है। यहाँ क्वान्टिटी लिखना है, क्वान्टिटी कितना दिया था, यहाँ 25 दिया था, ये कट ऑफ प्राइस में क्लिक कर देना है, ये 577 ऑटोमेटिक ले जाएगा। अगर और लॉट लेना चाहता है, ये 25 का एक लॉट है, अगर और 2-3 लॉट लेना चाहे तो यहाँ पे सेकेंड कट ऑफ मार्क प्राइस में भी क्लिक कर देना है, यहाँ भी क्वांटिटी लिख देना है अगर लेना चाहते हैं। अगर कम पैसा कम है, अगर एक लॉट चाहिए तो एक लॉट 25 के हिसाब से 577 में गुना कर दीजिए, जितना क्वांटिटी हो उतना पैसा आपको लगेगा। तो यहाँ आई हेयर बाय अंडरटेकिंग, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सबमिट का बटन दबा दीजिए। सबमिट का बटन दबा देने के बाद यहाँ 14,425 जो नीचे अमाउंट लिखा है, इस अमाउंट को आपको जो UPI पेमेंट जहाँ हम दिए हैं UPI आईडी में, वहाँ पर नोटिफिकेशन जाएगा और अकाउंट अमाउंट को ब्लॉक करके रखेगा और यहाँ सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ सबमिट का ऑप्शन में सबमिट दबा दीजिए। ये रहा IPO अप्लाई कैसे करते हैं जीरोधा एप्लीकेशन में। और जैसे आपका IPO अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको शो डिटेल में जाना है, आपको और दिखाना, बैक बटन दबाना है, आईपीओ दबाना है, यहाँ स्टेटस देखना है। जैसे आप फिनो आईपीओ ले लिए, यहाँ स्टेटस देखना है, मैंने 29 तारीख को ले लिया, ऑफर एंड हो रहा है 2 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 3 दिन का ऑफर रहता है, अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन 9 तारीख को अलॉटमेंट होगा। अगर आप अलॉटमेंट में सिलेक्शन नहीं हुए तो पैसा 11-10 तारीख को रिफंड हो जाएगा, अकाउंट में आ जाएगा ऑटोमेटिक, तब तक आपका अकाउंट ब्लॉक करके रखेगा अमाउंट को। अगर अलॉटमेंट हो गया तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। डिमांड ट्रांसफ़र 11 तारीख को होगा, जैसे आपका पेमेंट हो गया तो अलॉटमेंट सिलेक्शन हो गया तब 11 तारीख को आपको डिमांड ट्रांसफ़र दिखाएगा, और लिस्टिंग 12 तारीख को होगा। 12 तारीख की लिस्टिंग में आप बेच सकते हैं और 7 दिन का टाइम रखते हैं, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यही रहा आईपीओ का स्टेटस। आईपीओ का स्टेटस कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और अप्लाई अगर नहीं कर पा रहे तो मुझे मैसेज भेजिए व्हाट्सएप कमेंट में, और मैसेज कमेंट में भेजिए। और जिसका जीरोधा डिमांड अकाउंट नहीं है, वहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।